अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आप अपने हाथ को ब्राइट कर सकती हैं विद ओनली 3 स्टेप्स। अगर आपके हाथ बहुत डल हो गए हैं या बहुत ज़्यादा रफनेस या ड्राइनेस हो गई है या सन टैन हो गया है हाथों पे, तो ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और अपलोड करती रहती हूँ। लेट्स बिगिन द वीडियो। और उसके अलावा अगर आपके हाथों के नकल्स जो होते हैं वो काले हैं, जैसे काफ़ी लड़कियों के जो उंगलियों के जो नकल्स होते हैं बहुत काले होते हैं, तो ये स्टेप्स आप करेंगे तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड है। और उसके अलावा जो लड़कियाँ बाहर आती जाती हैं उनके हाथों पैरों पे भी बहुत ज़्यादा सन टैन हो जाता है, तो ये उसका भी हल है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो लेना है आपने 2 टीस्पून ग्राम फ्लोर, जिसे हम बेसन कहते हैं, और उसके अंदर 2 टीस्पून ही आपने नेचुरल योगर्ट ऐड करनी है। मैंने थोड़ी सी और ऐड की थी 2 टीस्पून के अलावा, क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा जो कम लग रही थी, मतलब मैंने फुल भर के नहीं ली थी। 2 टीस्पून आपने ऐड करने हैं। उसके अंदर आपने ये ज़रा सी हल्दी ऐड करनी है, जो कि 1/2 टीस्पून से भी कम है एक्चुअली। तीनों को अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना अच्छा कि एक जो है ना बिल्कुल पेस्ट बन जाए, बेसन अलग से नज़र ना आए, हल्दी अलग से नज़र ना आए, बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए। इसमें आप हनी भी ऐड कर सकती हैं, अगर आप चाहती हैं तो आप हनी भी ऐड कर दें, वो भी अच्छा है। हनी हमारी स्किन के लिए अच्छा है, और ये तीनों चीज़ें हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ लोग यही मास्क अपने फेस पर भी अप्लाई करते हैं, तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ फॉर फीट एंड हैंड, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, जब तक कि इसमें अगर कोई गुठली है या आप देख रहे हैं मिक्स नहीं होगी अच्छे से, तब तक आपने एक पेस्ट बना लेना है। अब मैंने एक टॉवल रख दिया ताकि गंदा ना हो। उसके अलावा मैं हाथ से सिंपली ये लूँगी अपने हाथ पे, और अपने हाथ पे अच्छे से इसको करूँगी, क्लेंस करूँगी। बेसिकली मैं इसको बहुत लाइट हैंड के साथ इसके अपने हाथ के ऊपर सर्कुलर मोशन में क्लेंस कर रही हूँ। आपके पास अगर ये बाउल में एक्स्ट्रा बच जाए तो आप इसको पैरों पे भी अप्लाई कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छी तरह से आपने इसको एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स इसको करना है क्लेंस अपने हाथों पे। इससे होगा ये कि जो आपके हैंड्स उंगलियों के जो नकल्स हैं, उसके अलावा जो सन टैन है वो आपका रिमूव होगा, आपके हाथ ब्राइट होंगे, और योगर्ट है इसके अंदर, तो उससे क्या होगा, उस आपके जो हाथ हैं उन पे अगर ड्राइनेस है या आपके हाथ फट रहे हैं, तो आप योगर्ट जो है वो एज अ हाइड्रेटिंग वो काम करेगी आपको जो है, क्योंकि उसमें चिकनाई होती है, तो आपके जो है हाथों की ड्राइनेस को वो कम करेगी और आपके जो नकल्स हैं उनको ब्राइटन करेगी। तो अच्छे से आपने अपने नकल्स पे, अपने फिंगर पे इसको करना है क्लेंस। आप चाहें तो ऊपर तक कर लें, हाथ पे, एल्बो तक, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिससे आपको कोई नुकसान हो, तो आप आराम से अपने हाथ पे कर सकती हैं इसको क्लेंस। इसी के साथ साथ पैर पे भी कर सकती हैं। मैंने 8 मिनट तक किया था, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली वीडियो भी पूरी बनानी थी। आपने 8 to 10 मिनट्स करने के बाद इसको वॉश कर लेना है हैंड, और फिर इसको ट्राई कर लेना, यू कैन सी द डिफरेंस। और मुझे हाथ इतने सॉफ्ट लग रहे थे अपने, क्योंकि इसमें योगर्ट थी, उसके अलावा बहुत मतलब एक अच्छी सी स्मूथ सी फीलिंग आई थी। सेकेंड स्टेप जो हमारा है वो है स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन, कुछ भी आप कह लें। इसमें आपने लेना है 1/2 टीस्पून भर के बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा के अंदर आपने 1/2 लेमन करना है स्क्वीज़। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो प्लीज़ आप लेमन नहीं, इसकी जगह पानी ऐड करिएगा। और ये देखें, लेमन ऐड करते ही इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हुए थे। अब मैं इसको पेस्ट बना के अपने हाथ पे जो है स्क्रबिंग करूँगी। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपकी वैक्स वगैरह से इन चीज़ों से आपके हाथ पे रैशेज़ हो जाते हैं, तो आपने लेमन नहीं, इसमें सिंपल सादा पानी ऐड करना है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी 1 स्पून की हेल्प से। उसके बाद मैं जो मैंने लेमन लिया था उसी को लेके उसके छिलके से मैं अपने हाथ पे करूँगी इसको सर्कुलर मोशन में स्क्रब। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकती हैं, और हाथ का जो प्रेशर है वो बहुत कम रखिएगा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं कि हाथ आप छील लें अपना। बहुत लाइटली आपने इसको सर्कुलर मोशन में 5 to 6 मिनट्स करना है इसको स्क्रब। इससे क्या होगा, जो आपकी डेड स्किन है या सन टैन है आपका, वो होगा रिमूव, क्योंकि लेमन में और बेकिंग सोडा दोनों में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपका जो मेल है या सन टैन है वो जो है उसको काटता है। तो ये जो है आपने अच्छे से इसको स्क्रब करना है अपने नकल्स पे, जहाँ जहाँ आपके ज़्यादा जहाँ आपको लगता है कि ये एरिया डार्क है वहाँ पे। अगेन प्रेशर लाइट रखिएगा,
मैंने 6 to 7 minutes उसको मसाज किया, फिर मैंने वेट किया, फिर मैंने उसको धोने के बाद ये इस तरह से ड्राई हो गया। स्क्रबिंग के बाद आपने वेट करना है जब तक आपका बेकिंग सोडा सूख जाए 4 to 5 minutes, उसके बाद फिर धोइएगा। मतलब एकदम से 4-5 minutes स्क्रबिंग करके हाथ नहीं धोना, आपने वेट करना है, उसको थोड़ा ड्राई करना है, फिर वॉश करना है। थर्ड स्टेप जो है हमारा, जो कि बहुत मेन है और बहुत अच्छा है, वो है हमारा कि हमें अपने हाथ को करना है मॉइस्चराइज। उसके लिए मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन 6 to 7 drops। अगर आप दोनों हाथों पे या पैरों पे कर रहे हैं तो आप 1/2 teaspoon भर के ले लें या 1 teaspoon ले लें, और इसके अंदर 2 to 3 drops में ऐड करी हूँ लेमन। आपके पास लेमन नहीं है या आपको अगर लेमन से एलर्जी है तो आप सिंपल सिर्फ ग्लिसरीन भी ऐड कर सकती हैं। ग्लिसरीन आपके हाथों को मॉइस्चराइज करेगा एकदम से, और इसको मैं अच्छे से अपने हाथ पे कर रही हूँ मसाज। अगर आपको थोड़ी सी मेरे हाथ पे रेडनेस नज़र आ रही है तो उसका रीज़न ये है कि बेकिंग सोडा और लेमन से एक्सफोलिएशन करने के बाद नॉर्मल है, ये हो जाता है कुछ मिनट बाद ये बिल्कुल आपका जो हाथ है वो नॉर्मल हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तभी मैं आपसे कह रही थी अगर आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है तो आप लेमन अवॉइड करिएगा, आप पानी ऐड करिएगा। इसको मैं अच्छे से अपने हाथ पे करूँगी मसाज 3 to 4 minutes, ताकि वो अच्छे से मेरे हाथ में ऑब्जर्व हो जाए। आप चाहें तो इसको लगा रहने दें, क्योंकि लगा रहने देंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये एज अ हैंड क्रीम आपके हाथ पे काम करेगा। बट अगर आपको थोड़ा सा लेमन की स्मेल से या मतलब थोड़ा आपको इरिटेशन होती है तो आप वॉश कर लें। मैंने इसको वॉश कर लिया था, लेकिन सोप के साथ नहीं, सिंपल सादे पानी के साथ मैंने अपने हाथ को धो लिया था। मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ अपने नकल्स पे, देन ये मैंने इसको पानी से सिंपल धो लिया था। और अगेन मैं आपको बता दूँ, जो रेडनेस आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं इट्स नॉर्मल, ये आपको कुछ मिनट्स बाद ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप बेकिंग सोडा के साथ लेमन इग्नोर करिएगा, आप उसमें पानी ऐड कर दिएगा। उसके अलावा मैंने अपने चैनल पे 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं फॉर फीट वाइटनिंग पेडिक्योर एंड एवरीथिंग। मैं ऊपर आई कार्ड में लिंक दे रही हूँ। फीट वाइटनिंग पेडिक्योर मैंने अभी लास्ट कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, आप ऊपर लिंक दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसमें मैंने अपना बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाया है कि कितना 5-6 minutes के अंदर आपको कंप्लीट अपने पैरों में डिफरेंस नज़र आएगा पेडिक्योर एट होम। और वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, अगर आपने ये ट्राई किया है घर में और उसके बाद आपको फ़र्क नज़र आया हो। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या स्टिल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पे भी मैं अपनी ट्यूटोरियल्स अपलोड करती रहती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अपना बहुत सारा ख्याल, ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।